नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ स्वाधीनता के 75 साल पूरे होने पर इन दिनों स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान आजादी के दीवानों को याद किया जा रहा है। खास ये है कि इसमें उन्हें भी याद किया जा रहा है जो लगभग इतिहास के पन्नों से गायब हो चुके हैं। 16 दिसंबर को शहर के जज्जी के मैदान में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन के साथ ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी तैयारियों में जुटा है। बुधवार को कार्यक्रम स्थल पर RSS के जिला प्रचारक अम्बेश जी ने बताया कि इस मौके पर 1971 के जंग में शामिल 15 सैनिकों के परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत मुंबई से आए स्पेशल बैंड द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश भर में आगामी 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर सपूतों को और मुगल शासकों से देश की रक्षा करने वाले वीरों को याद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हमें अपनी जड़ों से जुड़ने, स्वबोध और स्वाभिमान को जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। समाज के सभी वर्गों के लोगों को मिलकर सफल बनाए समाज के सभी वर्ग के लोग मिलकर इसे सफल बनाए और अपने पूर्वजों के महान संघर्षों का स्मरण करें। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा, सरकार के भी तंत्र से बड़े पैमाने पे यह कार्यक्रम जगह जगह मनाया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से लेके गृह मंत्री जी, अन्य सारे ऐसे सरकारी तंत्र के भी लोगों ने इस अभियान को मनाने में अपनी भूमिका निभाई है। केवल सरकारी तंत्र के इस सिस्टम पे काम करने से, जिनके माध्यम से हमको आज़ादी मिली है, उन ऐसे महापुरुषों को केवल 2-4-10 कार्यक्रम मना के हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम संपूर्ण समाज का है, जन जन का है, जन जन की सहभागी होनी चाहिए। आज़ादी मिली तो समाज के किसी एक व्यक्ति, किसी एक वर्ग को नहीं मिली, आज़ादी सबके लिए थी। ऐसे समाज के कुछ जागरूक लोगों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ऐसे समाज के जागरूक लोगों को आगे करके यह स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम संपूर्ण समाज का, जन जन का अभियान बने, उस दिशा में अपने आर्यमगढ़ जनपद में, पूरे प्रशासनिक जिले में ऐसे 19 नवंबर से इस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसमें पूरे प्रशासनिक जिले में ऐसे कुल अलग अलग ब्लॉकों में 14 रथ चलाए गए, जो पूरे एक महीने तक प्रत्येक गांव में गए। जिन गांव में रथ गया, वहां भारत माता की आरती, वंदे मातरम का गायन, और जिन अपने ऐसे महापुरुषों के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा हमको आज़ादी मिली, जिनका योगदान रहा, ऐसे अपने उन महापुरुषों को हमने अपने पुराने इतिहासों के माध्यम से उनको याद किया है। ऐसे एक महीने तक चलने वाले इस स्वाधीनता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन कल यानी 16 दिसंबर प्रातःकाल 10 बजे से 2 बजे तक जज्जी के मैदान में होने वाला है। कितने लोग ऐसे मिले जो इतिहास में दर्ज नहीं हो सके जिनका? ऐसे तो बहुत लोग हैं और सब लोगों का नाम दर्ज नहीं हो पाया है, लेकिन ये है कि तमाम चिन्हित किए गए हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे बताऊँ, महेशपुर गांव है महाराजगंज के उत्तर तरफ, लक्ष्मीकांत मिश्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और इनके घर फूंक दिए गए, जला दिए गए, इनके रिश्तेदारों को भी बहुत परेशान किया गया था। तो ऐसी एक महाराजगंज के दक्षिण तरफ एक नेवादा गांव है, वहाँ एक कृष्ण माधव लाल बहुचर्चित, इनके साथ भी बड़ी ज्यादती हुई, जेल में बंद किया गया, यातनाएँ दी गई, घर जला दिए गए। उनका एक था और हलवाहा दूधई नाम था राजभर, उसका भी घर जला दिया गया, उसको भी जेल में बंद किया गया था। इस तरह के तमाम नाम हैं जो कि इतिहास में, भारत आजमगढ़ के इतिहास में आते हैं, लेकिन और जैसे नाम लोगों के काम आते हैं, तो इसी तरह से पूरा हमारा जो आजमगढ़ जिला है और पूरे देश भर में।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।